हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वन प्लस ने अपनी वाई सीरीज का एक और स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है वन प्लस 40Y1। दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी में जो आप लोगों को स्क्रीन साइज मिलने वाला है वो 40 इंच का मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ उन रीजंस के बारे में जिनके लिए आप लोगों को ये स्मार्ट टीवी परचेज करना चाहिए, और साथ ही वो रीजंस भी बताऊंगा जिनकी वजह से आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि हमें इस स्मार्ट टीवी पर अपने पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम स्मार्ट टीवी पर एक ही बार अपने पैसे खर्च करते हैं, और जब हम कोई स्मार्ट टीवी ले लेते हैं तो वो हमारे घर पर 5 से 6 साल तक चलता है। तो क्यों ना हम एक अच्छे से स्मार्ट टीवी पर अपने पैसे खर्च करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक अच्छा सा स्मार्ट टीवी दिला सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। दोस्तों, इसे स्मार्ट टीवी के साथ वन प्लस ने एक काम काफी अच्छा किया है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी में आप लोगों को वही फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि इस सीरीज के 43 इंच वाले स्मार्ट टीवी में आप लोगों को देखने को मिलते थे। अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप 40 इंच वाले वेरिएंट को परचेज कर सकते हो, 43 इंच वाले वेरिएंट को छोड़ सकते हो, क्योंकि 40 इंच वाले वेरिएंट में भी आप लोगों को ये सब फीचर मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी देखने लायक, क्योंकि बेजललेस डिज़ाइन आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगा। अगर आप इस स्मार्ट टीवी को अपने घर पर लगा लोगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक आप लोगों को ये प्रोवाइड कराने वाला है। आपके रिश्तेदार देखेंगे कि क्या स्मार्ट टीवी परचेज किया है यार आप लोगों ने। तो डिजाइन वाइज स्मार्ट टीवी काफी अच्छा है। 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशो आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिल जाता है। वहीं कलर ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगा, यानी कि आपके घर की जैसी लाइट है उसके हिसाब से स्मार्ट टीवी अपने कलर्स को एडजस्ट कर लेगा। तो ये फीचर भी आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 20W के इसमें स्पीकर्स आप लोगों को मिल रहे हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बेस काफ़ी अच्छी आप लोगों को इन स्पीकर्स में मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगी। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी में आप लोगों को गूगल असिस्टेंट और अमेजोन एलेक्सा का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसका मतलब है कि इस स्मार्ट टीवी का जो रिमोट होने वाला है वो फुल्ली वॉइस कंट्रोल होगा। तो रिमोट आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में काफ़ी अच्छा मिलेगा, और गूगल असिस्टेंट और अमेजोन एलेक्सा का सपोर्ट तो आप लोगों को इसमें मिल ही रहा है। वहीं कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलेगी जैसा कि हर स्मार्ट टीवी में आप लोगों को मिलती है, जैसे कि G5, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, इस तरह की कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगी। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी के पोर्ट्स वगैरह और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस स्मार्ट टीवी में आप लोगों को 2 HDMI+ पोर्ट्स मिलेंगे, 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलेंगे, और वहीं ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। वाईफाई का सपोर्ट आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलेगा, और बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये तो थे इस स्मार्ट टीवी की अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे फीचर्स जिनकी वजह से आप लोगों को स्मार्ट टीवी लेना चाहिए। तो आगे की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनके लिए आप लोगों को ये स्मार्ट टीवी अवॉइड करना चाहिए या फिर इसे छोड़कर किसी दूसरे स्मार्ट टीवी के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कोई खास रीज़न नहीं है इस स्मार्ट टीवी को अवॉइड करने के, और मुझे ज़्यादा रीजंस मिले भी नहीं, लेकिन मुझे 2 रीजंस लगते हैं। पहला है 4K रेजोल्यूशन का, जो कि इस स्मार्ट टीवी में आप लोगों को नहीं मिलता, और दूसरा है 1GB RAM। सिर्फ 1GB RAM आप लोगों को इस स्मार्ट टीवी में मिलती है, और 8GB की स्टोरेज मिलती है। वन प्लस को यहाँ पर 22,000 रुपये के स्मार्ट टीवी में लगभग 2GB की रैम तो देनी चाहिए थी। तो ये 2 रीज़न मुझे लगते हैं इस स्मार्ट टीवी को अवॉइड करने के। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जो दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।